आईटीआई फर्स्ट ईयर है आपका, आईटीआई सेकेंड ईयर है आपका, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ आप अपने आईटीआई परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ में ही बिहार में विद्युत विभाग में भर्ती आने वाली है और उसके लिए कोर्सेज आ चुके हैं, फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पर कूपन कोड भी अवेलेबल है जिससे कम से कम फीस में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहो तो फटाफट ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी है। ट्रेड की मैं बात कर लेता हूँ किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है, सबसे पहले वहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ये कंपनी है, सरकारी नौकरी है ये। प्लांट की बात करें, लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद लोकेशन के लिए है फिलहाल में जो वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर ट्रेड की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और फिटर, ये चार ट्रेड के बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। सीटों की संख्या सामने दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 7, इलेक्ट्रीशियन की 6 हैं, मशीनिस्ट की 7 हैं, फिटर की 10 सीटें हैं। और इसके लिए क्या होने वाला है, वह रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू नहीं है इसमें, रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, उसके बाद ज्वाइनिंग है। इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं। अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए, 13 अप्रैल 2024 तक आपको जोड़ना है, 13 अप्रैल 2024 तक आपकी अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 18 होती है जनरली इस वैकेंसीज में, ऐसी वैकेंसीज में। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो यहाँ पर ट्रेड दिया हुआ है, इस ट्रेड में आपकी आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली। उसके साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की गई है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। इसका मतलब यह है किसी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ऐसी जगह का आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। यानी आईटीआई के साथ साथ इस जो चार ट्रेड लिखी हुई है, किसी भी ट्रेड में आप जिसमें अप्लाई करोगे उस ट्रेड से आईटीआई और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए उम्र में थोड़ा छूट दे दिया है, वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे होंगे पहले से। फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है, लेकिन हो सकता हो पहले से कुछ लोग इस आईएल में हो तो उनके लिए छूट यहाँ पर, उम्र में छूट है और कोई फिलहाल छूट नहीं दिख रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉर्मली सिलेक्शन के बाद आपका ये बेसिक पे है, बेसिक पे के बाद आपका इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो ये सैलरी बढ़ जाती है 30-35 के अराउंड, 35 के अराउंड इस तरह से हो जाती है। तो ये बेसिक पे है, उसके बाद इसमें 3% का इंक्रीमेंट है हर साल। और बाकी आगे बढ़िए, आपको हम एज वगैरह बता देते हैं। अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का अलग से छूट मिल जाएगा और ओबीसी में है तो 3 वर्ष का आपको छूट मिलेगा, यानी जो अधिकतम उम्र है उसमें आप इतना और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटर्न एग्जाम होगा और ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल आपको करना होगा अपने ट्रेड से रिलेटेड, वहाँ प्रैक्टिकल करा के चेक करेंगे, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और रेशियो होगा 1 सीट पर 4 लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर सीट अगर 10 है तो 40 बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, फिर उसमें से 10 लोगों को लिया जाएगा। रिटन टेस्ट कहाँ पर होंगे, शहर का नाम दे दिया है, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, ये वो शहर हैं जहाँ पर आपको सेंटर रहेगा। आप पूरे भारत के स्टूडेंट कहीं के भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सेंटर आपके इन्हीं शहरों में रहेगा, पहले से इन्होंने बता दिया है 6 सिटीज में सेंटर होने वाले हैं। पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 का, ठीक है, 0.25, यानी ये क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। ओएमआर सीट पर एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर आंसर सीट इन्होंने ओएमआर लिखा हुआ है। बाकी हॉल टिकट वगैरह डाउनलोड करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ecil.co.in, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाना है, इस वेबसाइट में एक ऑप्शन आपका करियर का मिलेगा, करियर्स का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको अपना हॉल टिकट वगैरह मिल जाएगा। ट्रेड टेस्ट की बात करें, वही चीज़ लिखा हुआ है, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको हैदराबाद बुलाएंगे, जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे यानी मेन एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको ट्रेड टेस्ट देने हैदराबाद जाना पड़ेगा। जबकि मेन जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के लिए 6 शहरों में सेंटर होगा लेकिन स्किल टेस्ट के लिए सबको हैदराबाद जाना पड़ेगा। इसके बाद आपका जब हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस होगा।
और थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर ये वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, इस वेबसाइट ecil.co.in, यहाँ पर आप सब कुछ फॉर्म वगैरह डिटेल्स आपको यहीं पर मिलेगी। इंडियन नेशनल्स मतलब आप पूरे भारत के किसी भी राज्य के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म केवल अप्लाई होगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। और 23 मार्च से ये फॉर्म ओपन है और 13 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है, जो कि यही इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट कुछ बच्चे कहीं ना कहीं मिसिंग होंगे, तो 13 अप्रैल से पहले आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 13 अप्रैल लास्ट डेट है। कई बार लास्ट डेट में आप जानते ही हैं दिक्कत होती है, यहाँ पर वही चीज़ अलग से दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरना चाहते हैं। लिस्ट वेट सब इसी वेबसाइट पर आती रहेगी, तो इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, ecil.co.in। इसी वेबसाइट पर जाना है, करियर वाले सेक्शन में, करियर्स वाले सेक्शन में आपको अप्लाई भी करना है, ठीक है, वहीं से अप्लाई होगा। तो ये होगी मेन इंपॉर्टेंट जानकारी जो इस वैकेंसीज में थी, मेन मेन वो मैंने हाईलाइट कर दिया और आपको बता दिया है। बाकी ग्लोबल ITI का टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप एक एक पॉइंट को। और उसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ITI से जुड़ी एग्जामिनेशन की तैयारी हो, या अप्रेंटिस हो, गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज हो, परीक्षा की तैयारी A to Z, मतलब अगर आप ITI स्टूडेंट हैं या ITI पास हैं तो आपके लिए ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल एक बेहतर कड़ी साबित हो सकता है, तो ज़रूर जुड़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।